चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर लास्ट लाइफ प्रोसेस के लेक्चर में हम लोग ने लिम्फ को कवर कर लिया था मैंने लिम्फ के फंक्शन लिखवाए थे एक बार चेक करिएगा आप लोग मैंने लिम्फ के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को बताई होंगी लास्ट क्लास में बट मैंने आप लोगों को शायद रिटर्न नहीं करवाया था ठीक है मैं एक बार क्विक रिवीजन करती हूँ लिम्फ क्या था और उसके फंक्शन भी आप लिखेंगे ठीक है जैसे कि मैंने चैप्टर ये शुरू किया था स्पेशली सर्कुलेटरी का लाइफ प्रोसेस पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको सर्कुलेटरी फ्लूड में दो फ्लूड के बारे में बताया होगा एक आपको ब्लड के बारे में बताया होगा दूसरा मैंने आपको लिम्फ के बारे में बताया होगा ब्लड के पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए लास्ट हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में ठीक है होता क्या है देखेंगे मैंने पढ़ाया हुआ है बस एक बार रिवीजन करा रही हूँ आपका शुरू करेंगे लास्ट वाले पार्ट से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा का सारा हर्ट सारा का सारा ब्लड लेके कौन जा रहा है और उठा लेके जा रहा है सपोज आपका ब्लड लेके जा रही है ये आर्टरी ब्लड लेके आ रही है अब आर्टरी में तो ब्लड बहुत प्रेशर के साथ बह रहा है बहुत प्रेशर है उसके पास क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत प्रेशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके सारे ब्लड को पुश आउट करता है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बट जैसे ही वो कैपिलरी में आता है ये कैपिलरी है आप लोग वो डायग्राम याद करना जिसमें मैंने आर्ट्रीज और वेन्स बताई है जैसे ही आर्ट्रीज से ब्लड कैपिलरी के अंदर इंटर करता है तो कैपिलरी कैसी थी कैपिलरी बहुत पतली थी थिन वॉल थी तो कैपिलरी इतना प्रेशर नहीं झेल पाएगी जो आर्टरी के अंदर से ब्लड आ रहा है आर्टरी में तो मोटी वॉल है आराम से प्रेशर के साथ आ सकता है ब्लड बट कैपिलरी तो बहुत पतला है इतना प्रेशर वो झेल नहीं पाएगी तो क्या होता है जैसे ही ये ब्लड कैपिलरी की तरफ बढ़ता है तो कुछ थोड़ा सा ब्लड स्पेशली मैं बात करूँ स्पेशली बात करूँ तो ब्लड का प्लाज्मा ब्लड में चार पार्ट्स होते हैं ब्लड में मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द ब्लड किससे बना है आपके प्लाज्मा से बना हुआ है तो कुछ प्लाज्मा यहाँ आउट हो जाता है क्योंकि इतना प्रेशर कैपिलरी झेल ही नहीं पा रही तो कुछ ब्लड कुछ प्लाज्मा आपका लीक आउट हो गया और जो ये लीक आउट हो गया ये बॉडी टिश्यूज हैं टिश्यूज के अगल बगल कुछ प्लाज्मा जो आउट हो गया इसी आउट फ्लूड को क्या बोलेंगे हम लिम्फ बोलेंगे ठीक है मैंने उस दिन भी बताया था लिम्फ कलर में कैसा है बेटा कलरलेस है लिम्फ में दो तीन चीज़ें हैं ब्लड में तो बहुत चीज़ें हैं ब्लड में आपके आर है प्लेटलेट्स हैं डब्ल्यू है प्रोटीन है सॉल्ट है हार्मोन्स हैं बहुत कुछ है बट लिम्फ में क्या है सारी चीज़ें नहीं है पहले बात तो ये लिम्फ बना किससे है प्लाज्मा से यानी प्लाज्मा थोड़ा सा लीक आउट हो गया है साथ ही साथ उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं डब्ल्यू है और क्या है उसके पास प्रोटीन है बट मैंने ये भी बताया था कि लिम्फ के अंदर जो प्रोटीन है वो ब्लड की तुलना में कैसा है कम है लेस है प्रोटीन लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन है लिम्फ में और लिम्फ कलरलेस क्यों है क्योंकि लिम्फ के पास कोई भी आरबीसी कोई भी आरबीसी नहीं है लिम्फ के पास ठीक है तो यही है आपका लिम्फ फिर एक और मैंने बताया था कि तब तो दिमाग में आएगा मैम ऐसे तो सारे फ्लूड लीक आउट हो जाएंगे बॉडी से धीरे धीरे करके तो ऐसा कुछ नहीं होता ये पूरा का पूरा फ्लूड फिर से आपके सर्कुलेशन में एंटर कर जाता है कैसे करेगा एक लिम्फेटिक वेसल आती है एक लिम्फेटिक वेसल होती है जिसका काम क्या होता है इस लिम्फ को कैरी करना इस लिम्फेटिक वेसल्स में सारा लिम्फ जाए वेसल सारे लिम्फ को कैरी करेगी और जाके मेन बॉडी की वेन वेना कवा याद कर लो बॉडी की मेन वेन में जाके एंटर हो जाएगा मेन वेन में जाके आपका जो ये आउट लिम्फ है वो जाके एंटर हो जाएगा और फिर वो उसका काम क्या है फिर वो सर्कुलेशन चालू हो जाएगा उसको दे देगा राइट एट्रियम में तो वो साइकिल बार बार चलती रहेगी तो इससे कोई भी एक्सेस इससे कोई भी फ्लूड आपका वेस्ट नहीं हो रहा ऐसा नहीं सोचेंगे वो लीक आउट हो गया तो यूज बर्बाद हो गया ऐसा कुछ नहीं वो फिर से बॉडी सर्कुलेशन में एंटर कर गया फिर वही चीज लीक आउट होगी लिम्फेटिक वेसल जाएगा मेन वेन में जुड़ जाएगी और फिर से सर्कुलेशन बार बार चलते रहेगा ठीक है तो यही है आपका लिम्फ कौन लेके जा रहा मेन वेन में कौन जोड़ रही तो एक लिम्फेटिक वेसल आती है जो उसको जोड़

डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है आपकी बॉडी में जो भी पैथोजेंस है जो भी माइक्रोब्स है उससे फाइट करना तो एक तरीके से आपकी ह्यूमन सिस्टम को ये हेल्प भी करता है चीजों से लड़ने के लिए फाइट करने के लिए एक बार इसके फंक्शन जो मैंने बताए हैं देख लेंगे लिम्फ फैसिलिट अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम इट रिमूव एक्सेस फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम एंड हेल्थ डिफेंड अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स ठीक है जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही तीनों उसके फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं तो क्वेश्चन कैसा पूछता है जो सवाल आता है कहता है वॉट इज लिम्फ एंड राइट द फंक्शन ऑफ लिम्फ सिंपल डायग्राम बनाने को कभी नहीं आता इसके अंदर कि आप लिम्फ का कोई डायग्राम बना के दिखाए सिर्फ इसका एक डेफिनेशन और इसके फंक्शन दैट्स ऑल ठीक है तो इतना लिखेंगे फिर हम आगे चलेंगे चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं लिम्फ के बाद हम लोग आ जाओ छोटा सा टॉपिक है पढ़ेंगे हम किसके बारे में ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे ठीक है क्यों इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में से सवाल आते हैं देखेंगे क्या मान लो ये आपकी एक आर्टरी है ठीक है मान लो ये आपकी एक आर्टरी है आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा गैसेस हो, गैसे हो फ्लूइड्स हो जब भी ये किसी गैस किसी कंटेनर में रखो तो वो क्या करता है

क्या है इसका मतलब समझेंगे आप याद करो जब मैंने आपको हार्ट की वर्किंग पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि वेंट्रिकल क्या करते हैं सपोज राइट वेंट्रिकल क्या किया कॉन्ट्रैक्ट किया सारा ब्लड किसको दे दिया पल्मोनरी आर्टरी को दे दिया फॉर लंग्स को दे दिया फॉर ऑक्सीजनेशन वैसे ही मैंने आपको ये भी बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है सारा ब्लड किसको देता है अरोटा को देता है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ये जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ कॉन्ट्रैक्शन ये जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ कॉन्ट्रैक्शन इसी को बोलते हैं बेटा सिस्टोल सिस्टोल या सिस्टोलिक बोल लो ये जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ ना कॉन्ट्रैक्शन इसी को बोलते हैं सिस्टोल ठीक है systol, तो जैसे ही आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो एक प्रेशर के साथ ब्लड आगे भागता है वही प्रेशर को क्या बोलेंगे बेटा हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे ठीक है लिखा भी है द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन साइड आर्टरी ड्यूरिंग वेंटिकुलर सिस्टोल या कॉन्ट्रेक्शन सिंपल से लिखा है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एक प्रेशर के साथ ब्लड आगे बढ़ रहा है उसी को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का नहीं नॉट हंड्रेड जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है जो सिस्टोलिक प्रेशर है यानी जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करी है तो कितना प्रेशर आर्टरी पे आएगा तो आएगा दैट इज 120 ट्वेंटी एम एम एच जी उसमें मर्क्यूरी का कॉलम होता है उसी में मर्क्यूरी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है उसी से पता चलता है कि कितना प्रेशर वो बना रही है ठीक है दोनों होता है बता रही हूँ अभी मैंने सिस्टोलिक के प्रेशर के बारे में बताया ठीक है जैसे ही भाई एक बार चीजें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करिए तो रिलैक्स भी तो करेगी तो उस रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं हम डायस्टॉल बोलते हैं उस रिलैक्सेशन के टाइम पे जो रिलैक्स होते हैं तो हमें सबको हल्का फील होता है कि भाई चलो फाइनली रिलैक्स हो गए तो वो जो प्रेशर है वो ऑफकोर्स दिमाग में आएगा कि अब कम हो जाएगा तो जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो भी एक प्रेशर एक कर एक्टर्ट होगा आपकी आर्टरी पे जिसको बोलते हैं डायस्टॉलिक प्रेशर और इसकी वैल्यू होती है एट्टी एम एम एच जी

सारी ट्यूब्स बाहर आती हैं कफ लगाते हैं सेटोस्कोप लगाते हैं उसको ऐसे प्रेशर करते रहते हैं उसी मशीन का नाम है स्पिगमो मैनोमीटर दो सवाल बनते हैं नॉर्मल कितना होता है आपका बीपी की रीडिंग और कौन सी मशीन से मेजर करते हैं तो इसको लिख लेंगे फिर हम आगे चलेंगे चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा छोटी सी टेबल है ठीक है बस एक बार गो थ्रू कर लोगे ब्रीफ के लिए बस एक बार देखने के लिए है ऐसा इससे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा थ्योरेटिकल फॉर्म में मैंने आपको बताया हुआ कि वर्टी ब्रेड्स में कितने चैम्बर ऑफ हार्ट है और कैसा कैसा हम कैसा सर्कुलेशन शो करते हैं डबल सर्कुलेशन शो करते हैं ठीक है क्यों मदद करता है एक तो हमें मिक्सिंग से रोकता है दूसरा एक हमें कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है ये हमारे पास फायदा है ठीक है वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है बेटा ऐसे जिनके पास बैकबोन होगी ठीक है जिनके पास बैकबोन होगी ठीक है मैंने कुछ लिखा हुआ है जैसे मछलियाँ हो गई एम्फीबियंस हो गए रेप्टल्स हो गए, गए बर्ड्स हो गए या मैमल्स हो गए एक चार्ट सिर्फ नजर डालने के लिए है ये ठीक है ताकि आपको आइडिया लगे चैम्बर्स ऑफ हर्ट की बात करूँ तो मछलियों में दो चैम्बर्ड हर्ट है एम्फीबियंस में तीन चैम्बर्ड है रेप्टाइल में भी तीन चैप्टर है बर्ड्स और मेमल्स में मैंने पहले ही बताया ये चार चैम्बर्ड हर्ट होता है और ये हमारी तरह कंप्लीट डबल सर्कुलेशन शो करते हैं और क्योंकि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं ठीक है हम वी आर वार्म ब्लडेड ठीक है क्योंकि हमें एनर्जी की ज्यादा नीड होती है ठीक है इनकी बात करूं तो मछलिया में दो चैम्बर है ये बेचारी सिंगल सर्कुलेशन ही शो करेंगी एक बार ही हार्ट में ब्लड जाएगा एम्फेबियन और अप्राइल डबल सर्कुलेशन की पूरी कोशिश करते हैं शो करने के लिए बट पूरी तरीके से नहीं कर पाते क्योंकि चैम्बर ही तीन है इनके पास तो ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन शो करते हैं बात करें टेम्परेचर मेंटेनेंस की तो एक होते हैं वार्म ब्लडेड एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड वी आर वार्म ब्लडेड हम अपने कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं ये अपना मेंटेन नहीं कर सकता ये जैसा-जैसा एनवायरनमेंट चेंज होता है ये अपने बॉडी टेम्परेचर को वैसे-वैसे चेंज वैसे कर सकते हैं तो एक छोटी सी टेबल है नजर डालने के लिए कि कौन-कौन से किसके पास कैसे-कैसे चेंबर है और कैसा-कैसा सर्कुलेशन कैसा शो कर रहा है इससे एक सवाल आता है मछलियों पे पूछा जाता है कि फिशेस के पास

सब्जेक्टिव भी आते हैं एमसीक्यू से भी आ सकते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और ये आपके सर्कुलेशन का ट्रांसपोर्ट का आखिरी टॉपिक है ठीक है जैसा कि हमने हमने अपने ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ा है सारा ट्रांसपोर्टेशन हार्ट के बारे में पढ़ लिया ब्लड वेसल्स के बारे में ब्लड प्रेशर सब कुछ पढ़ लिया ठीक है प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे अब इन प्लांट्स के पास बेटा हमारी तरह हार्ट तो है नहीं हमारी तरह लंग्स भी नहीं है ब्लड वेसल्स भी नहीं है बट फिर भी ये ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस करेंगे इनके पास जो भी होता है वो उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे थोड़ा बहुत हमने नाइन्थ में देखा हुआ है कैसे करते हैं तो इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर होंगी कि प्लांट जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस कर रहे हैं वो बाई द हेल्प ऑफ टिश्यूज अपने टिश्यू की मदद से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ठीक है दो टिश्यू हैं पहले से जानते हैं ज़ाइलम ज़ाइलम और टिश्यू। का काम क्या है बेटा? वाटर का तो हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है फूड को ट्रांसपोर्ट फॉइलम करती है एक नई चीज और देखेंगे जिस प्रोसेस से जाइलम फूड वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रही है उस प्रोसेस का नाम है एसेंट ऑफ सैप उस प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस से वो ट्रांसपोर्ट कर रही है वाटर और मिनरल को उस प्रोसेस का नाम है एसेंट ऑफ सैप ठीक है नेक्स्ट जिस प्रोसेस से फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है पूरे प्लांट्स में उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ट्रांस लोकेशन प्रोसेस का नाम है ठीक है ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहां पे कुछ नहीं होना चाहिए था ये वही एसेंट ऑफ सैप यहां लिखा हुआ है ठीक है तो इसको हमें नहीं देखना है मैंने दो चीज बताई जाइलम जिस प्रोसेस से वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रही है sap, जिस प्रोसेस से हो रहा, एक चीज और देखेंगे अब आपके सॉइल में क्या है वाटर और मिनरल्स है ठीक है कैसे हो रही है थोड़ी सी आइडिया लगा दो आपके पास रूट प्लांट के पास रूट है रूट के पास रूट हेयर्स है उन्होंने वाटर और मिनरल को अब्जॉर्व कर लिया अब पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो गया पानी जाइलम की मदद से ऊपर चढ़ना शुरू हो गया अब इधर भी जाएगा लीव्स लीव्स बोलेगी भाई मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो यहाँ क्या करेगी वो यहाँ पानी आ जाएगा जितना पानी लीफ को चाहिए अपनी फोटोसिंथेसिस करने को उतना वो यूज करेगी उस प्रोसेस का यूज करके वो क्या कर लेगी भाई खाना बना लेगी यहाँ उसने अपना जो भी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का उसने वो बना लिया तो लीफ में भी पानी चला गया और भी पार्ट्स को पानी चाहिए जाइलम हेल्प करेगा ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करने में जिसको जिसको पानी चाहिए पूरे एरियल पार्ट्स ऑफ तक एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पूरा पानी ऊपर तक ट्रांसपोर्ट कर देगा खाने की बात करते हैं अब नीचे रूट्स हैं भाई खाना तो हर एक पार्ट को चाहिए एनर्जी बनाने के लिए तो नीचे बैठा रूट भी बोलेगा भाई जो खाना लीफ में बना है तुम मुझे भी थोड़ा ट्रांसपोर्ट करो तो फॉयलम क्या करेगी भाई फूड भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए फूड भी ट्रांसपोर्ट करेगी नीचे की तरफ आएगी भाई रूट को रूट को देगी फूड ठीक है सिर्फ रूट को ही नहीं चाहिए ऊपर के फ्लावर को भी चाहिए जो पार्ट है सबको खाना चाहिए ये ऊपर भी ट्रांसपोर्ट करेगी खाने को तो इससे एक चीज हम देख सकते हैं पहले भी मैंने बताया नाइन्थ में जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट है बेटा वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में हो रहा है नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर यानी मैं कह सकती हूं कि एसेंट ऑफ सैप की जो प्रोसेस है दैट इज यूनी डायरेक्शनल दैट इज यूनी डायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में हो रही है नीचे से ऊपर कभी ऊपर से नीचे तो चीजें आ नहीं रही हैं सिर्फ नीचे से ऊपर रूट ऑब्जॉर्व कर रहा है लेके ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करे जा रहा है उसको लेकिन जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस है वो तो दोनों डायरेक्शन में हो रही है रूट को भी खाना चाहिए ऊपर के पार्ट को भी खाना चाहिए तो जहां ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस है is, ठीक है थोड़ी इसकी बात कर दूं जो प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन की इसमें यूज होती है एनर्जी इसमें यूज होती है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी यानी मुझे फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी जो उसने बना रखी है ठीक है अच्छा लेकिन जो प्रोसेस है एसेंट ऑफ सैफ वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती कोई भी एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है नो ए रिक्वायर्ड नो ए रिक्वायर्ड थोड़ी थोड़ी बेसिक आइडिया लग रहा होगा एसेंट ऑफ और ट्रांसलोकेशन में क्या क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस के दो पॉइंट आप ऐसे भी बना सकते हो कुछ पार्ट्स की बात करते हैं चार पड़े थे। जाएलं जाएलं वैसल, जाएलं फाइबर तो जो मेन कंडक्टिंग पार्ट है जिसका काम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना है वो बस दो ही है बेटा वैसल और ट्रैकिट फाइबर का काम क्या था स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना सपोर्ट करना और पेरेंट काम काम क्या है स्टोरेज करना मेन कंडक्टिव पार्ट है इधर आ जाओ फॉइलम के पार्ट्स की बात करूं वैसे ही चार पार्ट थे यानी जो मेन कंडक्टिव पार्ट है दैट इज सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स ठीक है सीव ट्यूब खाना लेगी मान लो यहाँ सारे ट्यूब्स रन करती है ठीक है ऐसा कुछ सीन होता है यहाँ सीव ट्यूब हो जाएगी यहाँ कंपेनियन सेल हो जाएगी तो सबसे लीफ सबसे पहले खाना देगी सीव ट्यूब को सीव ट्यूब खाना लेगी कंपेनियन सेल सीव ट्यूब खाना देगी कंपेनियन सेल को और कंपेनियन सेल पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर देगी तो एक दूसरे का नाम यह ना कंपेनियन उसकी मदद करेगा खाना को ट्रांसपोर्ट करने में तो इसके जो दो पार्ट्स हैं जो मेन कंडक्टिंग है दैट इज कंपेनियन सेल एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है ये सारे बच्चों को क्लियर होगी सिंपल सी प्रोसेस है बस आपको ज्यादा जानना ही नहीं है थोड़ा बहुत ये ट्रांसलोकेशन क्या है एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है कौन कौन से मेन कंडक्टिंग पार्ट है थोड़ा इसमें थोड़ा सा डाउट होता है बच्चों को कि मैम एक तो सबसे पहले कोई एनर्जी लग नहीं रही लेकिन चीजें अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है चीजें अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही हैं तो कैसे जा रही हैं? तो इसके लिए दो फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल है उसकी बात मैं नहीं करूंगी वो बहुत इजी है मैंने आपको समझा दिया मैं इसकी बात करूंगी कि जो एसेंट ऑफ सैप हो रहा है ये कैसे हो रहा है इसके लिए दो प्रोसेस दो फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल है उन्हीं दो फोर्सेज के बारे में बात करेंगे देखेंगे कौन कौन सी ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ठीक है टेंथ में तो बस इतू सा है और हमें इतू सा ही पढ़ना है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है तो सिर्फ उतनी बातें करेंगे जो आपके लिए जरूरत का है इसमें बहुत सारी थ्योरी है बहुत सारे क्वेश्चन एडिशन बहुत सारे वर्ड्स आते हैं बट हमें सिर्फ बहुत कम पढ़ना है इसके बारे में ठीक है तो दो फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल है मेरे एसेंट ऑफ सैप कराने के लिए फर्स्ट वन इज रूट प्रेशर एंड द सेकेंड वन इज ट्रांसपरेशन पुल ठीक है ये दो प्रोसेस के वजह MM से एसेंट ऑफ सैप हो रहा है कैसे हो रहा देखेंगे अब जो भी वाटर है जो आपके रूट्स ने अभी अब्सॉर्ब किया है तो रूट के सेल में भर गया है पानी क्या होगा सेल स्वेल कर जाएगा जब एक सेल स्वेल कर गया तो अपने बगल वाले सेल को भी धक्का देगा उसमें भी पानी चले जाएगा अपने बगल वाले यहां भी पानी आ गया इस वाले सेल को भी धक्का देगा इसमें भी पानी आ गया इस वाले सेल को धक्का इसमें भी पानी आ गया ये जो स्पेशली रूट का ये इतना पार्ट रूट का है अभी आप लोग ऐसे समझो ये सिर्फ इतना पार्ट किसका है रूट का है तो रूट में कैसे पानी आया एक दूसरे को धक्का मार के ठीक है ऑस्मोसिस हो गई पानी अंदर चला गया भाई स्वेल कर गया एक को धक्का मारा दूसरे को धक्का मारा तीसरे को धक्का मारा रूट में पानी अच्छे खासा आ गया अब यहां तक पानी आके रुका हुआ है

जितना भी पानी है वो वेपर के फॉर्म में रिलीज आउट कर देगा और जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन अब लीफ को करना है ट्रांसपिरेशन इसके बहुत फायदे पहले तो वो उसको कूल रखने में मदद करता है जो भी एक्सेस वाटर है वो उससे छुटकारा पा लेता है तो लीफ एक सक्शन फोर्स क्रिएट करती है नीचे से लीव्स ही एक पुल क्रिएट करती है पानी को खींचने के लिए क्योंकि उसको तो चाहिए ना उसको तो फोटोसिंथेसिस भी करना है उसको ट्रांसपेरेशन भी करना है तो लीव्स ही एक सक्शन फोर्स क्रिएट करती है लीव्स ही एक सक्शन फोर्स या सक्सल सक्शन पुल क्रिएट करती है ट्रांसपेरेशन करने के लिए और इसी वजह से जब वो ऊपर की तरफ खींचेगी पानी को तो सारे पार्ट में पानी ट्रांसपोर्ट होता हुआ हो चले जाएगा

Of sap. है, और एसेंट ऑफ पॉसिबल किन वजह से हो रही है तो फर्स्ट वन इज रूट प्रेशर इसमें आप थोड़ा सा लिख दोगे रूट में इंटर कर गया पानी सेल्फ स्वेल कर गया उसके बाद धीरे धीरे स्टेम के जोलम टिश्यूज है लीवस ने एक पुल क्रिएट किया दैट इज़ ट्रांसपेरेशन पुल ट्रांसपेरेशन करने के लिए और उसी की वजह से पूरे पार्ट्स को आराम से पानी मिल गया तो ये है ट्रांसपोर्टेशन की पूरी प्रोसेस कि वाटर कैसे हो रहा है बाकी फूड का हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है ठीक है तो एक बार इसको लिख लोगे फिर हम आगे चलेंगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये वाला पार्ट कर लिया था ठीक है आ जाओ फंक्शन ऑफ ट्रांसपरेशन ठीक है ट्रांसपिरेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया लॉस ऑफ वाटर इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपरेशन जो भी वाटर रिलीज आउट हो रहा है प्लांट से एक्सेस वाटर उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं एक क्वेश्चन इससे आता है क्या है फंक्शन क्या है फंक्शन देखेंगे पहला क्या कह रहा है ट्रांसपरेशन हेल्प इन दब्जॉर्शन ऑफ अब्जॉर्ब्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इसी की मदद से तो पूरे प्लांट को पानी और मिनरल मिल रहा है ट्रांसपरेशन नहीं होता तो पुल क्रिएट नहीं होता पुल क्रिएट नहीं होता तो प्लांट को पानी और मिनरल नहीं मिलता तो पहला मेजर फंक्शन है कि चीजों को तो यही सबसे पहले प्रोवाइड करा रहा है प्लांट में वॉटर और मिनरल करने के लिए दूसरा है हमने पढ़ा है नाइन्थ में इवोपोरेशन कॉजेज कूलिंग ठीक है तो वो पानी लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में वाटर गैस बनकर रिलीज आउट हो रही है तो प्लांट को कैसा फील होगा कूल फील होगा तो टेम्परेचर रेगुलेशन में, में भी हेल्प कर रहा है लास्ट जो भी एक्सेस वाटर है ये उससे छुटकारा भी पा रहा है जितना जिसको प्लांट की जरूरत नहीं है ये उससे भी छुटकारा मिल सकता है तो इसके छोटे से तीन पॉइंट फंक्शन है तो पहला लिख लो ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फॉर्म एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन एंड इसके फंक्शन लिख लो बस ये तीन ठीक है चलिए शुरू करते हैं लास्ट लाइफ प्रोसेस पूरे चैप्टर का सारे लाइफ प्रोसेस के बाद आखिरी लाइफ प्रोसेस दैट इज एक्सक्रीशन ठीक है इसके अंदर भी सारा फंक्शन को पढ़ना है सबसे पहले पार्ट्स को डिस्कस करेंगे प्रोसेस है क्या इसको पढ़ेंगे ठीक है बॉडी से जो भी हम हार्मफुल चीज़ें निकाल रहे हैं जो भी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है उसको बॉडी में रखने का कोई मतलब नहीं वो हमारे लिए हार्मफुल है वो एक एक तरीके से हमारे लिए पॉइजनस हो सकती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम एक्सक्रीशन बोलते हैं ठीक है लाइक मैंने आपको जब पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन में मैंने इजेशन भी पढ़ाया था ठीक है इजेशन और एक्सक्रेशन एक जैसे लगते हैं सुनने में बट इक्वल ठीक है एक नहीं है वो बिल्कुल अलग अलग है इजेशन का सिंपल मतलब होता है जो आप अपनी बॉडी से सॉलिड फॉर्म में बेस निकालते हो दैट इज इजेशन बट एक्सक्रेशन का मतलब जो भी जो आपको बॉडी में जरूरत नहीं है लाइक like CO2 टू हम अपनी बॉडी में नहीं रखते हम एक्सल आउट कर देते हैं वो भी एक तरीके से एक्सक्रेशन है दूसरा स्वेट जो हम अपनी बॉडी से रिलीज कर रहे हैं वो भी एक तरीके से एक्सक्रेशन है ऑयल जो भी हम रिलीज कर रहे हैं वो भी एक तरीके से एक्सक्रेशन है ठीक है तो जो हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं जिस प्रोसेस से कर रहे हैं उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे एक्सक्रेशन लिखा भी है द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन हमारी बॉडी में जो वेस्ट है बेटा वो उसका क्या नाम है नाइट्रोजनस वेस्ट यानी जो भी नाइट्रोजन की चीजें हैं हमारी बॉडी में वो हमारे लिए वेस्ट है हमें नहीं रखना अपनी बॉडी में उसको हमें रिलीज आउट करना है बाहर निकालना है इस नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें

मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है आफ्टर रिएक्शन जो बन रहा है उसको निकालना है ठीक है वो नाइट्रोजन वाला नहीं है जो हम एयर से ले रहे हैं ठीक है थीके? ये बॉडी में सेल में जो रिएक्शन हो रहे हैं उसके प्रोडक्ट के रूप में जो बन रहा है उसको नाइट्रोजनस वेस्ट बोल रहे हैं ठीक है थीके? सबसे पहले जो भी लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं उसके लिए हम उसके पार्ट्स को पढ़ते हैं तो यहाँ भी हम एक्सक्यूटिव सिस्टम के पार्ट्स को पढ़ेंगे डायग्राम एस देखो बनाने के लिए नहीं आता है आएगा इसकी लेबलिंग और इसके कुछ अलग अलग पार्ट्स के फंक्शन पूछे जाते हैं सबसे पहले एक्सक्रिशन हमें पढ़ना है किडनी का फंक्शन पढ़ेंगे इसमें हम किडनी क्या कर रही है एक्सटी सिस्टम का मेन पार्ट है किडनी आपकी दो पेयर में किडनी है ठीक है बीन शेप्ड ऑर्गन है छोटा सा किडनी का काम क्या है ब्लड को फिल्टर करना किडनी का सबसे मेन काम क्या है ब्लड में जो भी वेस्ट है उसको सफाई करना ठीक है दूसरा काम किडनी का एक और काम है बॉडी में वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बना के रखना रेगुलेशन करना तो किडनी के दो काम है मेन काम है फिल्टरेशन करना ब्लड में जो भी गंदगी चीज है उसको निकाल के बाहर आओ बाहर फेंकना ठीक है दो हमारे पास किडनी है अभी मैं ये रेड और ब्लू के नहीं बता रही उनका क्या काम है मैं पहले किडनी के से रिलेटेड सारे पार्ट को समझाती हूँ ठीक है इधर देखेंगे किडनी ने ब्लड को फिल्टर कर लिया ठीक है ब्लड में जितनी भी गंदी चीज़ें थी उसको निकाल के अलग कर लिया जितनी भी साफ चीज़ें थी उसको हटा दिया ठीक है किडनी मेन आपकी यूरिन फॉर्मेशन में मदद करती है जितना भी होगा यहीं से यूरिन फॉर्मेशन होगा तो किडनी में जो भी वेस्ट बना उससे यूरिन फॉर्म हुआ अब ये यूरिन बॉडी से कैसे बाहर निकलेगा क्या पाथवे है उसका देखेंगे किडनी से जो भी यूरिन बना वो कहाँ जाएगा बेटा इस ट्यूब के थ्रू जाएगा ये जो आपको ट्यूब दिख रही है इसके थ्रू यूरिन आएगा जिसे हम बोलते हैं यूरेटर तो ये क्या कर रही है यूरिन को कैरी करने का काम कर रही है किडनी के थ्रू दूसरा ये यहाँ से भी आया यहाँ से भी आया ये कहाँ जाके स्टोर होगा एक ब्लैडर में होगा जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर ये थोड़े टाइम के लिए स्टोर होगा जब तक हमें यूरिनेट करने की अर्ज नहीं होती ठीक है तो थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड करके रखता है जैसे ही हमें यूरिनेट करने की अर्ज होती है तो हमें ओपनिंग के थ्रू दैट इज यूरेथरा छोटा सा ये पार्ट है इस ओपनिंग के थ्रू बॉडी से यूरिन एक्सक्रीट आउट कर देते हैं तो ये आपका यूरिन का पाथवे है किडनी से हुआ यूरिन यूरेटर के के थ्रू थ्रू हुआ ब्लैडर में और बॉडी से रिलीज आउट हो गया ठीक ठीक है थीक है तो क्या था पाथ किडनी में यूरिन बना जो भी वेस्ट के रूप में यूरेटर उसको लेके आएगी ब्लैडर में टेम्पोरी होल्ड करके रखेगी और यूरेथरा के थ्रू बॉडी से रिलीज आउट हो जाएगी दो और काम है दो और आपको रेड और ब्लू चीजें दिख रही हैं कैसे देखेंगे इसको जो ये रेड वाली है बेटा इसका नाम है रीनल आर्टरी रीनल का मतलब होता है किडनी ठीक है यहाँ जो भी आपको देखेगा रीनल का मतलब किडनी आर्टरी का क्या काम है बॉडी में जितना भी ब्लड है जिसको अभी फिल्टर होना है जिसको अभी सफाई होना है वो कौन लेकर आएगी किडनी के पास या आर्टरी लेकर आएगी जिसका नाम है रीनल आर्टरी यानी किडनी में ब्लड लाने का काम कौन कर रहा है रीनल आर्टरी किडनी में सारा फंक्शन हो गया फिल्टर हो गया सारी प्रोसेस हो गई जो वेस्ट है वो तो किडनी ने अपने पास रख लिया क्योंकि अब उसको क्या बनाएगा यूरिन फॉर्म करेगा जो साफ हो गया ब्लड क्लियर हो गया अब तो उसको बॉडी को वापस देना है टिश्यू यूज करेगा तो वो किसके थ्रू वापस बॉडी में चले जाएगा रीनल वेन के थ्रू वो वापस बॉडी में चले जाएगा तो आर्टरी का काम है ब्लड देना किडनी को किडनी ने जो फिल्टर कर दिया वो वेन के थ्रू वापस जो साफ वाला ब्लड है वो वेन के थ्रू वापस बॉडी सेल्स में चले जाएगा जिसमें कोई भी वेस्ट नहीं है बाकी किडनी ने वेस्ट अभी अपने पास ही रखा है जिसको वी तो यूरिन फॉर्मेशन का काम करेंगे ठीक है तो पहले इतना पार्ट्स लिखोगे इसका मैं सीक्वेंस लिख देती हूँ एग्जाम में सवाल कैसा आएगा आपको ये जंबल करके पूछेंगे कि यूरिन का बॉडी से रिलीज होने का क्या पाथवे है तो सिंपल सा है अपने आप को समझाने के लिए क्योंकि कभी-कभी पूछेगा तो पता होना चाहिए किडनी से कैसे जाएगा किडनी से कैसे जाएगा यूरेटर ठीक है यूरेटर से गया यूरिनरी ब्लैडर ठीक है एंड द लास्ट वन इज यूरेथ्रा यूरेथ्रा एक छोटी सी ओपनिंग है जिससे बॉडी से यूरिन बाहर रिलीज हो जाता है ठीक है तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है अच्छे से ब्लड लाने का काम कौन कर रही है रीनल आर्टरी कर रही है ब्लड वापस ले जाने का काम काम कर रही है रीनल वेन कर रही है चलिए पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन ठीक है थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा टेंशन लेने की बात नहीं है कि कैसे बनाएंगे क्या करना है बट हाँ बनाने को ये आता है बट कैसे करेंगे देखेंगे इस, आराम से समझते है इसको, के को पढ़ने जा रहे हैं इसको सबसे पहले तो बात यह करते हैं कर है फिल्टर का तो है फिल्टरेशन का का कर है, तो किडनी के पास है बहुत सारे नेफ्रॉन ठीक है बहुत सारे नेफ्रॉन न्यूरॉन और नेफ्रॉन में अंतर है न्यूरॉन आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में पाए जाते हैं उनका काम है सिग्नल को कैरी करना नेफ्रॉन आपके किडनी में पाए जाते हैं इनका काम क्या है ब्लड को फिल्टर करना ठीक है नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी ठीक है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी ये सबसे पहले तो याद रखेंगे आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे न्यूरॉन और नेफ्रॉन में ठीक है डायग्राम बहुत ही अटपटा सा लग रहा है बट इतना टफ नहीं है इजी है बस नाम थोड़े इसके टफ है थोड़े से नाम ही टफ लगेंगे बट बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सबसे पहले नजर डालेंगे जो भी रेड वाला पार्ट है उसको नहीं देखेंगे सिर्फ ब्लू वाले पार्ट को देखना है सिर्फ अभी ब्लू वाले पार्ट को देखना है ये आपको एक कप लाइक -like और कप लाइक -like दिख रहा होगा स्ट्रक्चर ये जो एक कप जैसा बन रहा है ये नहीं होता एक रिंच वैसा कुछ दिख रहा है रिंच जो यूज करते हैं ना इंस्ट्रूमेंट वैसा कुछ लग रहा है ठीक है ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है नेफ्रॉन का इसको बोलते हैं नाम थोड़े अटपटे मिलेंगे इसके अंदर नाम इज वोमस कैप्सूल हाँ लेबलिंग याद करनी होगी और हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन है इसके अंदर ठीक है यूरिन फॉर्मेशन यहीं से होगी और यहीं से अलग अगले क्लास में हम स्टेप्स बताएंगे कैसे कैसे वो ये सबके थोड़े थोड़े लिख सकते हो ठीक है पी सी टी डी सी टी एल ओ एच शॉर्ट फॉर्म है इसके तो ये जो कप शेप स्ट्रक्चर बना रहा है इसको बोलते हैं बॉमस कैप्सूल फिर ये एक ऐसे जिक्जैग जिक्जैक जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है इसको बोलते हैं बेटा पी सी टी

ये पहले था तो प्रोक्सिमल ये बाद में है तो डिस्टल डीसीडी डिस्टल कॉन्विटेड टिब्यूल उसके बाद फाइनली डिस्टल कॉन्विटेड टिब्यूल एक लंबी सी डक्ट बनाता है जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट ठीक है तो ये आपके नेफ्रॉन के पार्ट्स है यानी जब आप नेफ्रॉन बनाएंगे तो आप सिर्फ ये वाला पार्ट बनाओगे नाम क्या है बोमस कैप्सूल पीसीटी लूप लूपे डीसी कलेक्टिंग डक्ट अब इस नेफ्रॉन के अगल बगल होती है बहुत सारी ब्लड वेसल्स ये रेड वाली जो है वो सारी की सारी ब्लड वेसल्स के अगल बगल रन कर रही है ठीक है तो आज की क्लास में मैं बस इतना ही रखती हूँ नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाऊंगी तो मैं सबका काम बताऊँगी किस किस पार्ट्स का क्या क्या काम है यहाँ पे ठीक है तो आज बस यहीं तक